ओके हेलो गाइस, सॉरी थोड़ा सा 3 मिनट लेट हो गई हूँ मैं. हेलो अंकित, हेलो वैशाली, हेलो आलोक, नाइस टू सी यू ऑल हियर. अभी जस्ट अन अकेडमी वाले चैनल पे मैंने क्लास ख़त्म किया है. चलो कोई बात नहीं. हेलो प्रशांत, नाइस टू सी यू ऑल हियर. तो आज हम लोग ऑब्वियसली 3 बज गए हैं और हम एनसीईआरटी डिकोड करते हैं, तो एनसीईआरटी आज भी हम डिकोड करेंगे. यहाँ पे चैप्टर हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले बार किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो वहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ लिया था. वी टॉक्ड अबाउट नथिंग बट योर एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फिर हमने गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर, ये सब देखा था, है ना. तो आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का भी हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक कौन कौन से मसल्स हेल्प कर रहे हैं ब्रीदिंग में, एंड देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, उसके बारे में भी जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. हेलो राहुल. ओके हाँ जी, रेट्रोपेटोरियल ग्लैंड एक दिन स्पेशल क्लास में मैं करूँगी. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ बीच में नहीं डालूंगी, एक दिन स्पेशल क्लास में करूँगी. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, आई वेलकम यू ऑल टू नीट वॉयस चैनल, वन ऑफ द चैनल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी. एंड आई एम स्वागता मुखर्जी एंड आई हैव मोर देन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड. आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स देयर. I have produced results in some renowned institutions like AFMC, ICER Pune, and also major MBBS colleges of India. I worked as a JRF, that is Junior Research Fellow, in IISc Bangalore, and then I joined academic team here. Now, an academic ka subscription aapko lena hai. Kaise lena hai? Kyu lena hai? Wo sari reason main aapko batati hu yahan pe. To an academic ka subscription lene ke liye आपको ऑब्वियसली कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्यों लेना चाहिए. तो जैसे आपके यहाँ पे क्लासेस चल रही है, हेलो फाल्गुनी, हाँ जी आज फाल्गुनी, आज जो हमारा मेंटी होने वाला है 7 बजे, दैट वुड बी ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जितना हमने पढ़ा है उतना तक का. ठीक है, तो उसमें से कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं आपके मेंटी क्विज में. ठीक है. ओके, गुड आफ्टरनून प्रद्युम्न, गुड आफ्टरनून वैशाली, हेलो राहुल. चलो, तो आपको पता है कि वहाँ पे जैसे हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है यूट्यूब में, वैसे वहाँ भी चलती है, लेकिन वहाँ पे आप एजुकेटर के साथ आपके कोई भी पसंदीदा एजुकेटर का वीडियो देख सकते हो. ठीक है, उनके प्रोफाइल में जाके, और आप इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो, है ना. वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे आप लाइक यू नो इट्स लाइक अ मैसेज काइंड ऑफ वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो आप मैसेज डाल सकते हो, या फिर आप क्लास लेते वक्त ही वहाँ क्वेश्चन का एक अलग से कॉलम होता है, तो उस क्वेश्चन बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चन को डाल सकते हो. पिक्चर वगैरह बुक पे आप क्वेश्चन दिखा, आपको समझ भी नहीं आया कैसे सॉल्व करना है, बुक का पिक्चर क्लिक करो और उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो. ठीक है, अटैच कर सकते हो. हेलो रिया, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. नो, उसके अलावा वहाँ लाइव पोल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है लाइव पोल्स, जैसे हम मैं कभी कभी टेस्ट लेती हूँ वहाँ पे, हर एक टॉपिक के बाद बाद उनके साथ साथ मैं टेस्ट लेती हूँ. नीट पैटर्न का ही वो होता है, आपके पास यूजुअली 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जैसे लीडर बोर्ड जनरेट होगा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो आप वही के वही हर एक क्वेश्चन का जवाब का लीडर बोर्ड आप देख सकते हो, आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस देख सकते हो वहाँ पे. ठीक है. चलो ना, टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट होता है कभी फुल, हेलो भूपेंद्र, गुड आफ्टरनून, फुल मॉक सिलेबस का मॉक टेस्ट हो सकता है, या फिर कोई टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आप टेस्ट देने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज कर सकते हो. राइट, क्या, और वहाँ पे ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइमर चलेगा, तो जो पर्टिकुलर एनवायरमेंट आप अपने एग्जाम हॉल में फेस करने वाले वो सेम एनवायरमेंट यहाँ भी आपको मिलेगा, है ना, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मिलेगा, जिससे आपको तैयारी करने में ज़्यादा सुविधा होता है. राइट ना, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो सबसे बेटर, सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ अन अकेडमी का है, तो जैसे कि लास्ट संडे को मैंने लिया था बायोमोलिक्यूल्स, दिस कमिंग संडे आई बी टेकिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन लाइव डाउट सेशन. तो वहाँ पे आपको मैं पूरा टाइम दे दूंगी, सिर्फ जितने भी आपके डाउट्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लस मैं कुछ क्वेश्चन खुद से भी लाऊंगी, तो आप भी मुझसे पूछो, मैं भी आपसे पूछूंगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी. ठीक है, चलो मूविंग ऑन, ये हमारे कुछ बेस्ट फैकल्टीज है, बेस्ट एजुकेटर्स है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म के. और अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको छोटे मोटे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, उसे इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएगा, जैसे कि प्लस, फ्री कोर्सेस एंड स्पेशल क्लासेस. तो आप ऑब्वियसली फ्री कोर्स एंड स्पेशल क्लासेस ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, प्लस के लिए यू हैव टू टेक
एंड सब्सक्रिप्शन। तो दिस सब्सक्रिप्शन जो होता है आपका बहुत ही अफोर्डेबल होता है, तो आप प्लस पे क्लिक कीजिए, देन यू क्लिक ऑन नथिंग बट नीट यूजी इफ यू गेट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपके पास कुछ पेजेस ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आप नीट 2020 के लिए अपियर कर रहे हैं इस साल के लिए, तो आप इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, जैसे 1 month का 6000, 3 month का 5000 पर मंथ, ओके, 6 month का देन यू 4000 पर मंथ। तो ग्रेजुअली वो डिक्रीज ही हो रहा है उसकी प्राइस, है ना। और अगर आप 2021 में अपियर कर रहे हो तो आप ये 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसका सिर्फ 2500 पर मंथ आपको देना है, बहुत ही कम हो जाता है ये तो। और फिर 2022 में अगर आप अपियर कर रहे हो, दैट इज 2 साल बाद, आप 11th में हो सपोज, तो आप ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसका मनी, जिसका वैल्यू और भी, इसका पूरा अमाउंट और भी कम हो जाता है, दैट इज 1500 पर मंथ, जिसका 2 साल में कितना होगा, यू जस्ट हैव टू पे 32,400 इन 2 years, ओनली 2 years के लिए आपको इतना ही देना है, राइट। सो इससे भी आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा अगर आपने जो मेरा नाम है दैट इज SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके, हेलो भूपेंद्र, ओके, हाँ जी बिल्कुल, हम सब टेलीग्राम पे, हम टेलीग्राम ऐप का ये रहा हमारा लिंक, तो आप इस लिंक को क्लिक कर वहाँ पे टाइप कर सकते हो, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो, महिमा चैप्टर है आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी डिकोडेड, ओनली एनसीईआरटी डिकोड करेंगे। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, हाँ जी टेलीग्राम आईडी यही है ना आपका नीट बॉय चैनल का, इसी में आप पूछ सकते हैं मेरे से डाउट। ठीक है, चलो ओके, ना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आज पार्ट टू हम करने वाले हैं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिकोड एनसीईआरटी। तो पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि अगर आपके पास समय कम है, आपको इसी साल अपियर होना है, टाइम कम है, बहुत सारा चैप्टर करना है हमें सब खत्म, तो एनसीईआरटी खोल के पढ़ने का सीधा सीधा उतना काफ़ी होता है ना, काफ़ी होता है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए। टाइम बचा, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करो, अच्छी AIR रैंकिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी एनसीईआरटी लाइन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपका पेज, यहाँ पे आपके पूरे एनसीईआरटी का एक पिक्चर लिया हुआ है। हाँ जी, मैं प्लस में भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके, शशिकांत, वॉट एवर डाउट यू हैव, यू कैन ईदर आस्क इन द मैसेज ऑफ माई प्रोफाइल और यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स इफ द डाउट इज एकेडमिक। ओके, चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा देख लिया था, पूरे ट्रैक सब स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था, एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ था, पार्शियल प्रेशर वगैरह भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब ये जो हम ये जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, ब्रीदिंग में 2 स्टेप आता है, मैंने आपको बोला था, एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन, दैट इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दोनों आ रहे हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेजेस, इनको करने के लिए हमें कुछ मसल्स की जरूरत है, अकेले ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से मसल हेल्प कर रहे हैं और मसल के हेल्प करने से कैसे एयर अंदर आ रही है, ठीक है, तो ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हेलो पुष्पेंद्र, ओके, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, चलो ना, एज आई वाज सेइंग हियर कि आपकी ब्रीदिंग के बारे में बात कर रही थी, तो इसके लिए कुछ मसल्स हेल्प करती है, कौन कौन सी मसल का हेल्प करती है और उसके करने से क्या फर्क पड़ता है, क्या ऐसी चेंजेस आती है हमारे लंग्स में कि हवा एटमोसफेयर से अंदर जा रही है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। इंस्पिरेशन में हमने बाहर से एयर को लिया है, हमने एयर लिया है, ऑक्सीजन नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे नोज में कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है कि वो सिर्फ चुन चुन के ऑक्सीजन को ही इनहेल करेगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर रहे हैं, लेकिन वो आपके एल्वियोलाई तक नहीं जा रही है ना, एल्वियोलाई तक नहीं जा रही है, क्यों, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, है ना। ना और एक्सपिरेशन में क्या कर रहे हो आप, आपकी जो पूरी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वियोलाई से वो फिर बाहर जा रहा है। ठीक है, ओके परफेक्ट। ना द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमोसफेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यूजुअली कितना प्रेशर ग्रेडियंट होता है, तो चलो उस बारे में बात कर लेते हैं। तो सपोज ये आपकी एल्वियोलाई है, सपोज दिस इज योर एल्वियोलाई हियर, ओके ना, इस एल्वियोलाई में आपका जो पार्शियल प्रेशर है, अगर यहाँ पे आपकी प्रेशर ज्यादा हुई और यहाँ पे प्रेशर अगर कम है,
तो यूजुअली क्या होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एयर मूव करेगा। और अगर उल्टा केस हो गया सपोज, है ना, उल्टा केस हो गया आपका, पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली अंदर से बाहर आएगा एयर। अंदर से बाहर किसको आना चाहिए, ओ2 को, और यहाँ से किसको बाहर जाना चाहिए, आपके CO2 को, है ना, CO2 को बाहर जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो देखो सपोज दिस इज योर लंग हियर, द सपोज ये आपका यहाँ पे एक लंग है, हम एक लंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे सपोज, ठीक है, मैंने राइट लंग ले लिया सपोज आपका, ठीक है। तो राइट लंग में यूजुअली इसका जो प्रेशर है इट इज अराउंड 760 mmHg, है ना, उसका पूरा एयर का प्रेशर मैं बता रही हूँ, किसी पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं बोल रही हूँ। और बाहर एटमोसफेयर में कितना प्रेशर है, वो भी आपका 760 mmHg है। तो सेम में ना मूवमेंट करने में थोड़ी तकलीफ होती है, पार्शियल प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, एयर की प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर लंग्स। तो हमने क्या किया है, आपके लंग्स के वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, है ना। देखो ये जो डॉटेड लाइन मैंने दिखाया, ये आपकी इंक्रीज हो गई है, आपने इनहेल करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको, इसकी वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ, ये वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया है, तो अंदर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इंक्रीज, दैट मीन्स योर प्रेशर विल डिक्रीज। तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, जो ये प्रेशर है ये चेंज होके आ जाएगा अराउंड 758 mmHg हो जाएगा, ठीक है, कम हो गया। तो अब ये बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो मूव होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर आपके लंग्स के अंदर है, ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है ना, पहले 760 था, अब 758 हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि ये आपके किसके अंदर प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बट इनसाइड योर लंग्स, इसीलिए इंट्रापल्मोनरी बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी। 2022 के लिए आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तो लेक्चर चल रहा है ना आपके ऐप में, अभी ऐप में मैंने परसों ही क्लास लिया था, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, फिर आपकी जो भी मसल वर्क करती है ना, जो मैं आज यहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, वो मैंने डिटेल्स में वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इसकी फिर नेक्स्ट क्लास फिर से ऐप में ही होगी, है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ मैं कल ही ले लूँ वो क्लास आपके ऐप में, ठीक है जी। चलो तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, सॉरी थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गया, प्रेशर विद इन द लंग्स, तो प्रेशर विद इन द लंग्स मतलब क्या है आपका, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मैंने आपको वही समझाया, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, राइट ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया, कितना था एटमॉस्फेयर में 760 mmHg, कितना कम कर दिया मैंने, 758 कर दिया, कम हो गया ना, तो ऊपर से अंदर आ जाएगा। और ये कैसे किया, मैंने एक्सपैंड किया अपने लंग्स को, कैसे एक्सपैंड करना है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मसल्स, वो भी हम देखेंगे। सो बाय डिक्रीजिंग द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब क्या है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्यों बोल रहे, कम है ना, -2 mmHg है, 760 758 -2 mmHg, ठीक है ना। सिमिलरली एक्सपिरेशन तभी होगा व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली उसको स्क्वीज आउट करेंगे, है ना, हम फिर उसको डिफ्लेट करेंगे लंग्स को, वो उसके लिए भी कुछ मसल्स की जरूरत होती है अगर फोर्सफुल कर रहे हैं तो, ठीक है ना। The diaphragm and a specialized set of muscle that is external and internal intercostal muscles between the ribs help in generation of such gradient. ठीक है, तो इन दोनों ने ये gradient बनाता है, कौन सा gradient, ये pressure gradient की जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, हाँ जी। नहीं बेटा आज नहीं है आपका, कल होगा, कल होने वाला है, कल आपका मैराथन होगा YouTube में भी और वहाँ भी होने वाला है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस भी मैं कल आपके स्पेशल क्लास में क्विज भी लेने वाली हूँ, ठीक है जी। तो चलो, इंस्पिरेशन इज इनिशिएट, कौन इनिशिएट कर रहा है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। तो जब आप इंस्पायर कर रहे हो तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब उसको किस चीज की जरूरत पड़ी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मतलब ATP रिक्वायर हुआ, तो ऑब्वियसली किस तरह का प्रोसेस हो गया आपका, इंस्पिरेशन इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस हो गया, क्योंकि आपने ATP यूज तो कर लिया,
right? So there is contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis. Anteroposterior मतलब क्या है आपका? ऊपर है ना, anteroposterior. मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? तो ये आपकी लंग्स थी, सपोज ये आपका सपोज थोरासिक कैविटी है ना, ये थोरासिक कैविटी है पूरी की पूरी, और ये डायाफ्राम था डोम शेप. अब आपने इनहेल किया है तो क्या हो जाएगा आपका? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? ऐसा हो गया, ठीक है? ऐसा हो गया. सो एंटेरोपोस्टीरियर मतलब क्या? ये पोस्टीरियर साइड है, आप ऑब्वियसली आपका डायाफ्राम फ्लैट हो गया है. तो पहले कैसा था आपका? ऐसा था, डोम शेप था, वो फ्लैट हो गया. और वेन यू इंस्पायर आप खुद ही देखो आपका जो एंटायर रिब केज है वो ऐसे हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है. अपवर्ड मतलब आप सामने की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है आपका, है ना, सामने की तरफ. एंटेरियर पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायफ्राम भी तो हुआ है डायफ्राम भी तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है जी. चलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून हरिकेश, गुड आफ्टरनून. चलो, नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज द हाईलाइटर अगेन. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि डायाफ्राम ने क्या किया हुआ, डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट किया, बट इसके अलावा एक और मसल भी हेल्प करता है, वो है इंटरकोस्टल मसल. ये इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके रिब्स के बीच में. सो इमेजिन करो कि ये आपकी रिब्स है, एक एक रिब है, ठीक है? तो इनके बीच में आपको ये मसल दिखेगी. कैन यू सी द ब्लैक कलर, ये जो ब्लैक कलर का टैप पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द मसल. तो इंटरकोस्टल मसल क्या करती है? अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये रिब केज को बाहर की तरफ खींचती है, बाहर की तरफ ऐसे खींच रही है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जैसे आपने ये किया तो अंदर की कैविटी क्या हो गई? बड़ी हो गई, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मतलब प्रेशर कम हो गया. आपका मेन पर्पस क्या है? इंस्पिरेशन में आपका एम होना चाहिए कि आई हैव टू इंक्रीज द थोरासिक कैविटी. तो यहाँ पे आपने थोरासिक कैविटी को इंक्रीज किया है, किया है, बिल्कुल किया है मैंने, ठीक है? और एक्सपिरेशन के वक्त क्या होता है? यू हैव टू डिक्रीज द थोरासिक कैविटी, ठीक है, ताकि हवा बाहर जाए. क्योंकि डिक्रीज होगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका? यूजुअली प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ठीक है ना? तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपके थोरासिक वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, राइट ना? नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है. ना क्या लिखा था यहाँ पे? जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिफ्ट्स अप लिप्स ऑफ द रिब्स एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. Dorsoventral का मतलब क्या है? ये आपका dorsal side है और ये आपका ventral side है. तो dorsoventral axis में भी फुल रहा है आपका, है ना, जो thoracic cavity है वो increase हो रही है. Now, the overall increase in the thoracic volume causes a increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. मैंने वही बताया कि increase होगा जितना cavity का जगह, उतना volume भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा हवा आ पाएगा उसमें, तो प्रेशर कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है? हाँ जी बताइए क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ जी संजय, इम्पोर्टेंट तो है एनसीईआरटी, है ना, फिलहाल एक्चुअली वो जो इस साल अपीयर करने वाले हैं ना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि नीट 2020 का ही सेशन है आपका, है ना, 3 बजे. एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी. ओके नाउ, एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड. वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेस देन टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, ठीक है, जो मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया था, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर इंस्पिरेशन. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ये ए वाले डायग्राम में आपको इंस्पिरेशन ही दिख रहा है. आपका थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे आप बहुत सारी हवा अंदर आ सकती है ऊपर से, एटमोसफियर से. ना रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम, अब देखो उल्टा हो रहा है, डायाफ्राम अब रिलैक्स कर रहा है. ये फ्लैट हो गया था, ये डोम शेप डायाफ्राम था, ये फ्लैट हो गया था, तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया था. अब इसको क्या करना है? फिर रिलैक्स करना है. डोम शेप वो क्यों था इतना? देखो एक चीज देखो, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा सरफेस एरिया, ये पॉइंट है सपोज आपका, ये नंबर वन पॉइंट है, ये नंबर टू पॉइंट है, ठीक है? ये सरफेस एरिया ज्यादा है या ऐसा करने वाले का सरफेस एरिया ज्यादा है? किसका लेंथ ज्यादा है? ये कर्व का ज्यादा है या स्ट्रेट लाइन का ज्यादा है? जल्दी बताओ, कर्व का ज्यादा है ना.
तो जब मसल, ये डायफ्राम बना किस चीज से है? मसल से बना है, मैंने आपको बोला था ना फ्रीनिक मसल बोलते हैं हम इसको। तो आपकी ये डायफ्राम पहले ऐसी थी, बहुत सारी जगह इसके पास था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया। कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका लेंथ शॉर्ट हो जाता है ना। ये जो आपने ये फ्लेक्स किया, मैंने आर्म, ये आर्म मैंने फ्लेक्स किया है, तो आपको दिख रहा है पहले इतना बड़ा था मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेरा आर्म का मसल का लेंथ है जो आपकी ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट है। मैंने ऐसे किया तो थोड़ा छोटा हो गया ये, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से लेंथ छोटा हो जाता है। तो लेंथ छोटा हो गया तो ऑब्वियसली ये ऐसा रह पाएगा, इतना सारा सरफेस एरिया वो कवर कर पाएगा नहीं ना, वो छोटा हो गया मतलब फ्लैट हो गया। अब वो वापस जा रहा है ना, वापस गया तो फिर ये वापस गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से वो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स किया तो मतलब उसके पास बहुत जगह है, फिर से लेंथ बड़ी हो गई मसल की। ठीक है जी, हाँ जी, चलो। हाँ, उस जो टॉपिक से बाहर आता है उसका तो सेशन चल रहा है। हरिकेश, आप नए हो क्या इस चैनल पे? और मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ नीट 2020, नीट 2021, सारे टारगेट चल रहे हैं। ये नीट 2020 का टारगेट है जो 3 बजे होता है, 2022 के लिए और 2021 के लिए 7 से 8 बजे होता है, प्लस स्पेशल ऐप में भी मैं लेती हूँ उनके लिए, डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। ये नीट टारगेट 2020 का होता है 3 बजे से, मैंने बहुत बार रिपीट किया है पहले भी। ठीक है, चलो। तो जैसा कि मैं यहाँ बता रही थी, एक मिनट, ओके। नाउ रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, वो अब क्या करेगा, रिलैक्स कर जाएगा इन आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम ने भी रिलैक्स किया, इसने भी रिलैक्स किया, एंड दैट रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ रिड्यूस इन द थोरासिक वॉल्यूम एंड देयर बाई द पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, टू स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760 mmHg, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, कितना, 61 हो जाता है, जस्ट 761 एंड 759 आपका 60 point something हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ता है, उससे आपका एयर बाहर चला गया। ठीक है, चलो। हाँ जी, क्या हुआ संजय, कौन सा चैप्टर चल रहा है आप? ये चैप्टर इतने देर से पढ़ा रही हूँ, अभी आप पूछ रहे हो कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या चल रहा है? रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हो ना, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑब्वियसली। ठीक है, चलो। आई थिंक हरिकेश, आई हैव सीन यू इन द लास्ट टाइम ऑल्सो इन दिस बैच, आई डोंट थिंक यू आर न्यू टू दिस चैनल, और मे बी यू हैव कम टू सम अदर क्लास बिकॉज आई हैव सीन योर नेम। ओके, चलो, नाउ मूविंग ऑन हियर। एंड हाँ जी, ये नीट वॉयज चैनल ही है बेटा संजय, ये नीट वॉयज चैनल लिखा है ना यहाँ पे, देखो नीट वॉयज चैनल है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग टारगेट का अलग अलग टाइम पे क्लास होता है। ठीक है, 3 बजे जूलॉजी का सिर्फ टारगेट 2020 के लिए हम पढ़ते हैं, और 7 से 8 हम 2021 या 2022 के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। नाउ एक्सपल्शन ऑफ द एयर, दैट इज नथिंग बट योर एक्सपिरेशन, अब एक्सपिरेशन हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन, राइट, दैट इज नथिंग बट कि हम जो नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल ब्रीथ किया, इसके लिए ये मसल काफ़ी है। मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यूजुअली, हमने सपोज आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सपोज मैंने नॉर्मल इन्हेलेशन किया है एंड नॉर्मल एक्सहेलेशन किया है। ठीक है, तो नॉर्मल इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो आपका है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ये जो आपका नॉर्मल इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, ये आपकी देखते क्या प्रोसेस है। सो नॉर्मल इज नथिंग बट इन्हेलेशन इज योर एक्टिव, क्योंकि हमने इसमें कॉन्ट्रैक्शन किया था ना दो दो मसल का, और आपका जो एक्सहेलेशन है वो पैसिव है। क्यों पैसिव है, क्या लिखा था यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि आपकी जो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ पे क्या बोला, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इन दोनों का अगर रिलैक्सेशन हुआ, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ी, तो उससे क्या हो गया, आपका एक्सपिरेशन हुआ। तो एक्सपिरेशन नॉर्मली अगर आप कर रहे हो तो वो पैसिव है, क्योंकि कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन जब आप फोर्सफुल कर रहे हो, ठीक है, अर्थवर्म बेटा पुष्पेंद्र नीट के सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं होगा, सिर्फ कॉकरोच होकर वो हो चुका है हम लोग का कॉकरोच। ठीक है, अच्छा अच्छा, हरिकेश अपने आने के लिए भी नीट फिनिक्स बैच किया, ओके, कोई बात नहीं, चलो।
हाँ नीट वॉयज पे, दिस इज फॉर 2020, टारगेट 2020 के लिए हम कर रहे हैं, 3 बजे वाला, 7 से 8 आपका 2022 और 2021 होता है, ओके चलो। सो जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम अपनी मसल कौन, हमारी जो इंस्पिरेशन की ताकत है, जो ज़्यादा इंस्पायर करना चाहते हैं, सपोज फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, ये हम कर सकते हैं कैसे, कुछ एडिशनल मसल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एब्डोमिनल मसल, जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर इनहेलेशन कर रहे हो ना, तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कुछ ज़्यादा ही मूव करेगी और ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएगी। देखो नॉर्मल आप इनहेल करके देखो, थोड़ा सा बड़ा और आपका जो थोड़ा सीक वॉल्यूम है, और अगर आपने फोर्सफुल इनहेलेशन किया तो आपको जो आपकी थोड़ा सीक वॉल्यूम है उसको ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल मसल भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, दैट इज ये है आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो इसके लिए आप खुद करके देखो, आप यू विल फील समथिंग इन योर एब्डोमेन, कि आपकी एब्डोमेन मसल भी पुश कर रही है ताकि आपकी एयर और ज़्यादा बाहर निकले, तो उसमें ये एडिशनल मसल हेल्प करता है, राइट। तो ये आपकी एब्डोमिनल मसल जो है वो एडिशनल मसल है जो हेल्प कर सकता है। इसीलिए जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन या इनहेलेशन करते हैं तो फोर्सफुल इनहेलेशन भी एक्टिव होता है, अगर नॉर्मल एक्टिव है तो फोर्सफुल तो एक्टिव हो गई, बट योर फोर्सफुल एक्सहेलेशन इज ऑल्सो एक्टिव, तब ये पैसिव नहीं, उस टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मसल्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके स्पेशल क्लास में, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन बींग कितने बार ब्रीथ करता है, 12-16 टाइम्स पर मिनट। लेकिन क्या आपने बच्चों को देखा है, बच्चे कितना जल्दी जल्दी ब्रीथ करते, कैन यू हैव यू एवर सीन, छोटा बच्चा सो रहा है ऐसे ऐसे वो ब्रीथ कर रहा होता है, क्योंकि उनकी ब्रीदिंग रेट इज अराउंड 30-40 टाइम्स पर मिनट होती है। किसमें होती है, ये मैं इन्फेंट की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फेंट हियर। सो इनकी यूजुअली 30-40 टाइम्स पर मिनट होता है, हमारे में एडल्ट में कितना हो गया आपका 12-16 टाइम्स हो गया, ठीक है ओके जी। चलो नाउ हियर वी मूविंग ऑन, लेट्स सी। हाँ जी, कौन सा चैनल करवा रहे हो, क्या चैप्टर नीट 2021 के लिए, 2020 के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है अभी आपका, ठीक है। उसका आज क्विज भी होने वाला है, मिंटी पीटर क्विज होने वाला है आज रात को 7 बजे, ठीक है। चलो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीथ इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग अ स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर क्या होता है, इट्स एन एक मशीन होती है जिसमें यू हैव टू ब्लो एयर, तो वेन यू आर ब्लोइंग द एयर वो आपकी हर एक मेजरमेंट होती है ऐसे, है ना, 500 ml, 100 ml, 1000 ml, 2000 ml एंड सो ऑन। तो इससे पता चलता है कि आपका कितना, जो आपकी जो सारी की सारी वॉल्यूम, कितना आपने इनहेल किया नॉर्मली, कितना आपने फोर्सफुल इनहेल किया, कितना आपने नॉर्मली एक्सहेल किया है, फोर्सफुल एक्सहेल किया है, ये वहाँ पे पता चलती रहती है, ठीक है ना। सो विच हेल्प्स इन नथिंग बट द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। तो ये स्पायरोमीटर के थ्रू जो हम वॉल्यूम चेक करते हैं, जो हमने एयर ब्रीथ किया, ब्रीथ आउट किया, उसी के बारे में आज हम पढ़ना है, ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में। तो वॉल्यूम्स क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट आर प्रेजेंट इन योर लंग्स एंड डिफरेंट साइकिल। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने अभी इनहेल किया, इनहेल के वक्त आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है उसका एक अलग वॉल्यूम होगा, और आपने एक्सहेल किया उसके बाद कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसका एक अलग मेजरमेंट होगा, राइट। तो ये अलग अलग जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। कैपेसिटीज क्या होती है, जब हम मोर देन वन वॉल्यूम को ऐड करते हैं, व्हेन मोर देन वन वॉल्यूम आर एडेड, आर बीइंग एडेड अप, ठीक है। सपोज दो वॉल्यूम्स आपने ऐड किया या तीन वॉल्यूम्स आपने ऐड किया, तो आपको क्या मिलती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ब्लॉक द स्क्रीन। ओके परफेक्ट, मूविंग ऑन। सो आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं क्योंकि वो तो सिंगल है, फिर वॉल्यूम्स को हम जोड़ के कैपेसिटीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टीवी, राइट। ओके हाँ जी, सो टीवी के बारे में हमें बात करना है। तो टीवी क्या है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे, कैन यू सी दिस डायग्राम, यहाँ पे एक आपका चार्ट बना हुआ है। तो टीवी इज नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है, ये जो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, तो वो आप सिर्फ 500 ml करते हो, 500 ml आप ब्रीद इन करते हो नॉर्मली, 500 ml आप ब्रीद आउट करते हो, ठीक है ना।
उसके बाद, सो दिस इज अराउंड 500 ml, राइट? नाउ उसके बाद वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 500 ml. That is a healthy man can inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. ठीक है, ये आप कितने बार कर रहे हो, आपका पर मिनट आप 12 टू 16 टाइम्स कर रहे हो ना, तो 16 इंटू 500 कर लो आप, ठीक है, पर मिनट आपको मिल जाएगा कि अपना कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपने ब्रीदिंग किया है. ठीक है, चलो ना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका क्या होता है, चलो देख लेते हैं. अभी तक आप नॉर्मली इंस्पायर एक्सपायर कर रहे थे, अभी आपने क्या किया है, आपने अचानक से एक डीप इन्हेलेशन लिया है ना, फोर्सफुल इन्हेलेशन, तो आपने इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर और लिया है. यहाँ तक तो 500 आपने लिया ही था और आपने एक्स्ट्रा 3000 ले लिया. देखो 3000 to 400, 4000, 4000 to 5000, 5000 to 6000, ऑलमोस्ट अराउंड 3000 एक्स्ट्रा आपने लिया है, तो वो हो जाता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 3000 ml, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3000 ml आपकी लंग की कैपेसिटी है ए फोर्सफुल इनहेल करने की. इससे ज्यादा अगर आपने करने की कोशिश की, यू ट्राई ऑन योर ओन, इसके बाद और आप इनहेल नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है. ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है. ठीक है, चलो अब उसके बाद आपने क्या किया, सपोज आपने नॉर्मल इंस्पिरे एक्सपिरेशन ना करके आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने की कोशिश की, तो ये आपकी फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, तो दैट वुड बी अराउंड जस्ट 1200 ml, नॉट मोर देन दैट. तो देखो जितनी आपकी कैपेसिटी फोर्सफुल इनहेल करने की है, उतनी आपकी फोर्सफुल एक्सहेल करने की नहीं है, कम है. ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, विच इज अराउंड 1200 to 1300 ml. ठीक है, ये अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में बच जाती है. तो ये एयर आया कहाँ से था, राइट? ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो हमेशा रहता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ स्पायरोमीटर. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट कांट बी मेजर्ड बाय अ स्पायरोमीटर. क्यों? क्योंकि स्पायरोमीटर उसी एयर को मेजर कर सकता है जिसको आप ब्लो आउट कर सकते हो, ये तो कभी निकल ही नहीं रही है लंग्स से, तो वो ब्लो आउट नहीं होगी, है ना, तो वो कभी भी मेजर नहीं होती. कांट बी मेजर्ड बाय ए स्पायरोमीटर. ठीक है, स्पायरोमीटर, ओके. चलो तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम आई कहाँ से थी, तो ये सबसे पहले यूजुअली जब हम पहला ब्रेथ लेते हैं ना, अपना पहली बार सांस लेते हैं, उसी टाइम पे ये जो स्टोर हुआ था आपके फोर्सफुल ब्रीदिंग की वजह से, वो यहाँ पे रह जाता है आपके लंग्स में, वो कभी बाहर नहीं निकलता है, और इसको रहना जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये लंग्स को कोलैप्स होने से रोकता है. तो सपोज ये आपकी एल्वियोलाई है, इसके अंदर थोड़ी सी हवा बची हुई है, तो ये पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होगी. ठीक है, राइट? क्योंकि कंटिन्यूअसली आपकी लंग्स एंड एल्वियोलाई इन्फ्लेट डीफ्लेट होती रहती है, तो हमें कोलैप्स नहीं होने देना है इसको. ठीक है, चलो ना, सो एज आई वॉज टॉकिंग दीज आर ऑल द वॉल्यूम्स, तो ये सारे के सारे वॉल्यूम्स थे. तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है आपका, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ऑल्सो कॉल्ड एज IRV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन विच एवरेज अराउंड 2500 to 3000 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है आपका, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ओके, एंड एवरेज उसका क्या होता है, 1100 to 1100 ml. ना रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया, राइट? सो दिस एवरेज इज अराउंड 1100 to 1200 ml. ना बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, राइट, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, एक हम लोग को पल्मोनरी कैपेसिटीज मिल सकता है. तो कैसे, सबसे पहले हमें मिलेगा IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो लेट्स टॉक अबाउट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कि वो क्या है. तो जब आपने अपने सपोज आपने यू हैव एडेड योर TV, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, है ना, तो TV प्लस IRV इन दोनों को आपने पूरा ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट नथिंग बट IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको IRC भी बोल सकते हैं. When you add up your TV plus ERV, है ना, that is nothing but your ये tidal volume plus आपकी ERV, expiratory reserve volume, you'll get what, EC. ठीक है, तो values तो हमें पता ही है, TV 500 होता है, IRV 3000 होता है, तो 3000 plus 500, 350 ml होगा, 3500 ml होगा आपका IC. TV 500 है, ERV कितना है आपको, almost around 1100, तो आपको इसका भी मिल जाएगा, EC भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो तो ये EC हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका
दिस इज नथिंग बट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? सपोज आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया है, राइट, फोर्सफुल इंस्पिरेशन लिया है यहाँ पे, बट यू हैव एक्सपायर्ड नॉर्मली, तो कितना अमाउंट ऑफ एयर बच गया है? इतना बच गया ना आपका, आर भी तो बचा हुआ ही था, जो एक्स्ट्रा आपका एयर जो आपने एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम जो आपने एक्स्ट्रा लिया था, इंस्पायर किया था, वो आपने एक्सपायर नहीं किया फोर्सफुली, राइट, नॉर्मली आपने एक्सहेल किया है, तो आपके पास कितना बच जाएगा? ये पूरा का पूरा बच जाएगा. उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC. FRC को भी हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर के थ्रू. क्यों? क्योंकि इसमें RV इंक्लूडेड है ना. FRC इज व्हाट? FRC इज नथिंग बट योर ERV प्लस RV, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन बिहाइंड इन योर लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन बट नॉर्मल एक्सहेलेशन. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे समहान जी, बिल्कुल वैल्यूज याद रखना है आपको, क्योंकि वो यूजुअली वो पोस्ट क्वेश्चन इसके व्हाट यू से इक्वेशन से पूछते हैं. लाइक वो आपको बहुत सारे इक्वेशन दे देंगे, ईवी प्लस आरबी क्या है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको चूज करना है इसमें से कौन सा बीसी है, इसमें से कौन सा TLC है, एंड सो ऑन, राइट. सो नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया आपका? TB प्लस IRB, जो मैंने आपको अभी बताया. फिर आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? TB प्लस ERB. राइट, नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. मैंने वही बोला, नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हो, फोर्सफुल इनहेलेशन किया रखा था हमने, राइट, सो दैट इज नथिंग बट ERV प्लस RV. ओके, अब ये जो आपकी IRV प्लस TV प्लस ERV, इन सबको अगर हमने एक साथ ले लिया तो आपको क्या मिलता है? वाइटल कैपेसिटी. सो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, एंड दिस इंक्लूड्स ERV, TV, IRV और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन. क्या मतलब है इसका? BC क्या है आपका? BC आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है. मतलब इसमें क्या क्या आ गया आपका? इसमें आ गया आपका IRV, TV एंड नीचे आपका क्या है? ERV. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आपने जो फोर्सफुल इनहेल किया है तो उसकी आपकी कैपेसिटी इतनी हो सकती है, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो आपने फोर्सफुली एक्सहेल किया है, राइट. बट ये बाकी जो बचा हुआ है ये आरवी, इसका क्या? ये तो फोकट में नहीं आया था, तो ये भी तो लंग्स में है ना, तो आपकी पूरी लंग्स की टोटल कैपेसिटी में आ जाती है. मतलब आपकी VC प्लस योर RV, ये दोनों मिला के क्या बनाता है? टोटल कैपेसिटी. मतलब इतना अमाउंट ऑफ एयर आपका लंग्स होल्ड कर सकता है. ठीक है, चलो मूविंग ऑन, लेट्स सी. सो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एंड दिस इंक्लूड्स RV, ERV, TV, IRV, दैट इज नथिंग बट वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सारे के सारे, राइट. तो इसके अगर किसी ने इक्वेशन दिए तो क्या हम सॉल्व कर सकते? बिल्कुल. कैन वी राइट TLC इज इक्वल्स टू FRC प्लस IC? कैन वी राइट इट लाइक दिस? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ टोटल लंग कैपेसिटी को? FRC में क्या जाता है? FRC में आपका आता है RV प्लस ERV, है ना, ये दोनों आता है. IC में आपका क्या आता है? TV प्लस IRV. मतलब सारे के सारे वॉल्यूम हुए कि नहीं हुए, तो आप वी कैन कंसिडर. वी कैन ऑल्सो राइट TLC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, योर व्हाट डू यू से IC प्लस ERV प्लस IRV, ऐसे भी हम लिख सकते हैं. तो हर एक वॉल्यूम के अलग अलग जो इक्वेशन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है. जैसे ये चैप्टर खत्म होता है हम इसका क्विज करेंगे, उसमें मैं बहुत सारे ऐसे इक्वेशन वाले फॉर्मूला दूंगी आपको जिसका आंसर आपको मुझे सही सही बताना है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज आफ्टर दिस. ओके, हेलो शशिकांत. नाउ अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो हमने देख लिया वॉल्यूम क्या है. अब ये जो O2 और CO2 की हम इतनी बातें कर रहे थे कि ये एंटर होगा, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से बाहर जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो चलो इस बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, लेट मी जूम इट. ओके, एक बार मैं जूम करके आपको बताती हूँ. तो देखो, ब्लड के थ्रू आपका O2 CO2 मूव होगा. क्योंकि हम मैमल्स हैं, हम वर्टिब्रेट है, हमारा उतना ज़्यादा हाई वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है कि हमारे डायरेक्ट ऑक्सीजन बाहर से एकदम टिश्यूज में जा रहा है, ऐसा नहीं है. ये आपके कॉकरोचेस या इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जो ट्रैकियल सिस्टम है. तो हमारा इसमें कौन कैरी कर रहा है CO2 को? तो ब्लड कर रहा है. ब्लड में कौन कर रहा है? आपकी हीमोग्लोबिन कर रही होती है, राइट. सो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, एज आई जस्ट सेड. मैं यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर सकती, ये जूम्ड इन है. इसमें
से अबाउट 97% ऑफ O2, अगर हम ट्रांसपोर्ट बात करें O2 की, ऑक्सीजन की, 97% आपकी RBC, ब्लड के RBC में आपकी जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड फॉर्म में जाता है, और बाकी जो 3% बचा उसका क्या, वो आपकी प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और इसके थ्रू आपके टिश्यूज में जाती है। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये आपका 97% ऑफ O2 जो है आपका, इट इज ट्रैवलिंग इन दिस फॉर्म HbO2। HbO2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड हो रहा है, और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के मूव आउट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट योर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो कलर कोड है, और जो 3% है वो आपके डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में वो डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हो गए। अब ये जो HbO2 ब्लड में घूम रहा है, ये सपोज आपकी ब्लड वेसल है, दिस इज सपोज नथिंग बट योर ब्लड वेसल, ओके। और इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, दिस वॉज नथिंग बट योर एल्वियोलाई, यहाँ पे एल्वियोलाई था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपका O2 आया, O2 को यहाँ डिजॉल्व होना है, तो O2 क्या करेगा, यहाँ पे HB आया था, घूम रहा था, HB के साथ बाइंड हो जाएगा, इट विल फॉर्म नथिंग बट HbO2, और ये घूम रहा है। अब ये घूमते घूमते आया टिश्यूज के पास, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपकी टिश्यूज या सेल्स है, ये सपोज आपकी सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो इसको इस सेल में एंटर होना है। तो ये कैसे सेल में एंटर होगा, HbO2 नहीं एंटर हो सकता, तो इसको फिर से डिसोसिएट होना पड़ेगा। ये एसोसिएशन हुआ था, ये फिर से टूट जाएगा, सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू HB प्लस O2। तो ये O2 इसमें एंटर हो जाएगा, HB इज फ्री टू बाइंड विद द नेक्स्ट O2, ठीक है। तो ऐसे ये बाइंड हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, चलो O2 का तो मैंने यहाँ पे आपको फिर से लिख देती हूँ, 3% प्लाज्मा में, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, और आपका 97% क्या हो रहा है, इन HbO2 फॉर्म, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लिखा है आपके NCERT में, इट इज लिखा है कि आपकी जो 20-25% जो है, एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली 23% जो होती है, वो आपकी इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म HbCO2। HbCO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसको कार्बामिनो, कार्बोक्सी क्यों नहीं बोलते है? याद रखो, ये गलत होगा अगर हमने कार्बोक्सी लिखा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन के एक अमाइनो ग्रुप से जाके ये CO2 अटैच हो जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अगर मैंने लिखा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सपोज, उसका मतलब होता है कि HbCO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सपोज मैंने लिखा है, ठीक है, उसका मतलब होता है आपका HbCO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। चलो तो ऑब्वियसली हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, प्लीज भूलना नहीं है, ठीक है। तो 20-25% तो चलो चला गया, ठीक है, 7% इसका प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है, ठीक है। सो डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जैसे वहां 3% था, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ओके। चलो बाकी कितना बचा है हमारा, 70% और बच गया, ऑलमोस्ट अराउंड, ठीक है, अगर 23 ले 7 ले 30 तो चला गया, 70% बचा है, तो वो आपकी बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में घूमती रहती है। तो ये बाइकार्बोनेट फॉर्म आया कैसे, तो चलो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। सपोज ये आपकी RBC है, ठीक है, ये आपकी RBC है, ठीक है। RBC के अंदर क्या है, आपकी हीमोग्लोबिन है, यहाँ हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन है RBC में, न्यूक्लियस तो है नहीं, ई न्यूक्लियस होती है हमारी RBC, है ना, बहुत सारी हीमोग्लोबिन है। अब यहाँ पे आया आपका O2, ठीक है। तो अराउंड योर 23% ऑफ जो आपका O2 है, वो सॉरी CO2 की बात कर रही हूँ, आपकी CO2 है, वो तो आपके ऐसे हीमोग्लोबिन में बाइंड हो जाएगी, ठीक है, CO2 23%। 70% आपका जो बाकी बचा हुआ है वो CO2 अंदर आया, यहाँ मैं लिख देती हूँ 70%, ये आया CO2 और आके ये क्या करेगा आपके, जस्ट सेकेंड, एक मिनट बेटा, जो CO2 है इट इज गोइंग टू रिएक्ट, ये CO2 जो है ये रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर जो आपके RBC के अंदर प्रेजेंट है,
जैसे इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, एक एंजाइम आके एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करती है, ठीक है। सो कैसे कैटलाइज, कौन सी एंजाइम है वो, दैट इज नथिंग बट योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। चलो मैं इसको एक दूसरे कलर से लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड बेटा, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू राइट दिस। ओके, सो सपोज ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सी ए स्टैंड फॉर नथिंग बट योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपकी आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसने कैसे कैटलाइज किया और क्या बनाया, दे हैव मेड नथिंग बट कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर कार्बोनिक एसिड। ओके, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनती है, ये इमीडिएटली आपका फिर से डिसोसिएट हो जाता है इनटू व्हाट, H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, इसमें डिसोसिएट होती है। इस डिसोसिएशन को कौन कैटलाइज करता है, सेम एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद रखना, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये कर रही है, इसके साथ इसको जिंक की भी जरूरत पड़ती है, हर एक एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कौन है कोफैक्टर, दैट इज नथिंग बट योर जिंक, तो जिंक इसको करता है, ठीक है ना। अब देखो H+ आयन 70% कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एक का मैंने ये दिखाया, 70% यही कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ रहे हो कितने सारे H+ आयन बनेंगे, जितने H+ आयन बनेंगे, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो pH क्या होगा, लो होगा। लो pH का मतलब क्या होता है, एसिडिक pH, इसीलिए आपके टिश्यूज एंड ब्लड यहाँ पे एसिडिटी है, एसिडिक pH होता है, ये बनाता है एसिडिक pH। अब ये बाइकार्बोनेट आयन भी बन रहा है बहुत सारा, 70% जितने H+ आयन बन रहे हैं उतने बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं। तो ये बाइकार्बोनेट आयन्स जो है आपकी आरबीसी के अंदर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये एरो जो मैं शो कर रही हूँ, इट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द ग्रेडियंट मूव करेगी बाहर। बाहर क्या है यहाँ पे, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आरबीसी के बाहर, क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, जैसे ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है ना, ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड में क्या क्या है, आरबीसी है, प्लाज्मा है, WBC एंड सो ऑन। तो ये आरबीसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी है एक RBC, ठीक है। चलो, तो बाइकार्बोनेट आयन्स जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव आउट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम थी प्लाज्मा में, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव कर दी, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना है ना बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। ओके, सो नाउ क्योंकि अब आरबीसी ने एक नेगेटिव आयन लूज कर दिया है, मेंटेन तो कर दिया इसने, आइसोटोनिक तो कर दिया आरबीसी और प्लाज्मा को, बाइकार्बोनेट आयन्स में इक्वल अमाउंट हो गया, क्योंकि बाहर भेज रहा है। सपोज अंदर 10 है, बाहर कितना था, 2 था, तो ये कुछ भेजेगा ताकि दोनों जगह पे 5-5 हो जाए, तो ये 3 बाहर भेज देगा अपना सपोज, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपका 5-5 यूजुअली हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे वो भेजता रहेगा। ओके, चलो ना, लेकिन ये खुद तो लूज कर रहा है ना अपना नेगेटिव आयन, तो इस नेगेटिव आयन, आयन की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन की नहीं, एक नेगेटिव आयन इसने लूज कर दिया, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए कौन आएगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए एक और नेगेटिव आयन अंदर जाता है, जो कि बाहर ज्यादा है बट अंदर कम है इसका, दैट इज नथिंग बट Cl-, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज नथिंग बट क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। देखो दो तरह का ग्रेडियंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन Cl का ज्यादा था, यहाँ पे Cl का कम है, यहाँ पे इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो मूवमेंट हो रहा है और मैच रख रहा है, Cl-, अंदर बाहर सेम, बाइकार्बोनेट अंदर बाहर सेम। लेकिन ये सेम करने के चक्कर में ये अपना नेगेटिव आयन यूज कर रहा था ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव आयन से हमें क्या लेना देना है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। एक आपकी एनायन वो लूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको लॉस को कंपेंसेट करने के लिए एक Cl- अंदर चला जाता है। तो Cl- अंदर गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी मेंटेन हो गया, प्लस और एक क्या हो गया आपका, ये जो लूज किया था एक, जितने जाएंगे सपोज 10 बाहर गए तो 10 अंदर भी आएंगे Cl-, इसने इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी मेंटेन कर रखा है, ठीक है। ओके, तो चलो यहाँ पे देख लेते क्या लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे सेम जो मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पे मूवमेंट वो देख लेते। चलो ऑक्सीजन का तो मैंने बता दिया था पढ़ के, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बता रही हूँ। सो नियरली 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, वेयर एज कौन से फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वेयर एज 70% ऑफ इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंड 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा।
ना। हाँ जी यस एब्सोल्युटली राइट संजय परफेक्ट। सीएल कहाँ से आया? अरे आपके बॉडी में बहुत सारे प्रेजेंट हैं यानी यार एनए प्लस के प्लस सीएल माइनस सब प्रेजेंट है, लेकिन सीएल माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है प्लाज्मा में, आरबीसी में कम है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट के थ्रू मूव करेगा ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी राइट। सो O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो एरो बना के दिखाया था ना Hb प्लस O2 HbO2, वो फिर डिसोसिएट होकर Hb प्लस O2 भी बन सकता है राइट। नाउ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 राइट, एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 राइट। सो पार्शियल प्रेशर अगर O2 का ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी Hb से बाइंड करेगा, अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो वो बाइंड नहीं करेगा, CO2 कर लेगा ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो यहाँ पे सिग्मोइड कर्व आपको दिख रही है, इसके बारे में मैं बताऊंगी, इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जस्ट अ सेकंड, ओके। सो द A sigmoid curve is obtained when the percentage saturation of hemoglobin which O2 is plotted against the PO2. चलो यहाँ से ना पढ़ के मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यही लिखा हुआ जो मैंने आपको अभी समझाया है यहाँ पे ठीक है। सो मैं आपको डायग्रामेटिक पे मैं वो समझा देती हूँ ठीक है एक बार। ओके देखो ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ना इक्वेशन, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड बना रहा है, फिर वो बाइकार्बोनेट और H+ आयन में डिसोसिएट हो रहा है, वो सेम चीज़ यहाँ पे समझाया गया है ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे एक यही जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसके बारे में मैं समझा देती हूँ राइट। तो सपोज ये आपकी कर्व है राइट। सो इस कर्व में मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है PO2, और यहाँ वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन परसेंटेज, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का मतलब है कि कितने हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में कितने हीमोग्लोबिन है ठीक है। तो सपोज आपका, चलो यहाँ से सारे पार्शियल प्रेशर मैं MmHg में लिखूंगी, मिलीमीटर मर्क्यूरी में, और ये आपका परसेंटेज में, तो सपोज 0, 1, 2 ऐसे करके 10, 20 ऐसे करके आपका चल रहा है परसेंटेज है ना। तो आपको सपोज आपकी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, अभी पार्शियल प्रेशर बिल्कुल जीरो है ऑक्सीजन का, तो अगर पार्शियल प्रेशर जीरो है तो आपका हीमोग्लोबिन O2 से बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि O2 है ही नहीं। अब O2 आया तो हीमोग्लोबिन बाइंड किया, अब O2 का पार्शियल प्रेशर में जितना बढ़ाऊंगी उतना जल्दी जल्दी मुझे एक ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है HbO2। O2 पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन तो था ही, तो हीमोग्लोबिन आपका जुड़ता जा रहा है O2 के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है ठीक है। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर कितना है, pH कितना है, और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है। सपोज आपकी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर सपोज मैंने बढ़ा दी, सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, सपोज मैंने टेम्परेचर को लो कर दिया, सपोज मैंने pH को हाई कर दिया, pH हाई मतलब क्या, अल्कलाइन, तो आपको ये वाला ग्राफ थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कैन यू सी द शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्यों जल्दी मिलेगा? क्योंकि एफिनिटी शो करेगा ना, क्योंकि O2 के पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और सारे फैक्टर्स उसके फेवर में है, टेम्परेचर कम है, pH ज्यादा है, दैट इज योर अल्कलाइन pH है, इसलिए तो pH ज्यादा है ना, तो Hb जल्दी जल्दी मिलेगा। तो सपोज आपका यहाँ पे अराउंड 26 mmHg में आपको कितना मिला था, सपोज HbO2 सैचुरेशन सपोज इतना था, 50% था ठीक है, 50% सैचुरेशन था आपका हीमोग्लोबिन का। सैचुरेशन मतलब क्या है, कितने हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो सपोज एट 26 mmHg में आपका पार्शियल प्रेशर जो था ऑक्सीजन का, उसमें आपके 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड थे ठीक है नॉर्मल केसेस में। अब मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दिया है, टेम्परेचर को घटा दिया है, पार्शियल और pH को भी बढ़ा दिया है, तो आपको देखो अब कहाँ मिलेगा, कितने pH में, कितने आपके पार्शियल प्रेशर में आपको 50% मिल रहा है, कम हो गया ना, ऑलमोस्ट अराउंड सपोज 15 है यहाँ पे। तो आपको पहले जो 26 में 50% मिल रहा था, वो सिर्फ 15 में ही आपको 50% मिल रहा है
समझ में आ रहा है, सिर्फ 15 पार्शल प्रेशर में आपको 50 मिल रहा है, मतलब ये फेवर कर रहा है HbO2 को एसोसिएट होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स चेंज कर देते हैं, हम पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, मतलब पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हीट ज़्यादा होगा, और हम क्या करते हैं पीएच को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब एसिडिक पीएच। तो आपको अब ये करने में बहुत, ये वाला ग्राफ मिलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको 26 mmHg में 50% मिल रहा था, अब वो आपको 50% कम मिल रहा है, देखो ज़्यादा बढ़ गया ना, ऑलमोस्ट अराउंड 40 mmHg सपोज हो गया यहाँ पे, 40 mmHg, मतलब बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, तभी जाके 50% ऑफ योर हीमोग्लोबिन विल बी इन दिस फॉर्म, HbO2 फॉर्म, ठीक है। ये समझ में आया आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, एक बार देख लेते हैं NCERT में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट चैट सी बंद हो गए, ओके ओके जी चलो बढ़िया। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, सपोज आपकी देखो यहाँ पे 50%, ये 50% है आपका, 50% कितने में हुआ था सपोज अराउंड यहाँ पे, तो 26 समथिंग था आपका, है ना, यूजुअली वो 26.6 mmHg में 50% सैचुरेट होता है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ओके जी चलो। सो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि हीमोग्लोबिन, चलो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है NCERT में, ओके, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर, अच्छा यहाँ तो हमने पढ़ ही लिया है, चलो, अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेंड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ O2, मतलब कितने HbO2 फॉर्म में है, यही मैंने आपको अभी बताया, राइट ना। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओके, और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना बुरी बात है, HbO2 टूट गया और एक गलत हो गया, ऐसा नहीं, HbO2 का टूटना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका HbO टूटेगा नहीं, वो HbO2 टूटेगा नहीं, तो फिर वो कहाँ, यहाँ पे कैसे जाएगा, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, मैं वो समझाती हूँ, ओके एक मिनट कहाँ गया, ओके आई थिंक वो नेक्स्ट स्लाइड पे है, एक मिनट बेटा, ओके ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था कि HbO2 का टूटना जरूरी है, डिसोसिएट होना जरूरी है, क्योंकि डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये टिश्यूज को मिलेगा क्या बेचारों को, मिलेगा ही नहीं, और जब तक ये यहाँ पे जाएगा नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं किया तो ये फिर बाइंड नहीं होगा ना HP के साथ, ये जो फ्री HB हो गया था ये CO2 के साथ बाइंड होकर फिर वापस चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये वापस यहाँ से निकाल देगा उसको, ठीक है। तो O2 का डिसोसिएट होना भी जरूरी है, और O2 डिसोसिएट कहाँ पे हो रहा है, आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में, क्योंकि यहाँ पे pH बहुत लो है, एसिडिक pH है, ठीक है, एसिडिक pH है यहाँ पे, ओके चलो बाकी का भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके नाउ, सो एज आई जस्ट सेड दैट द कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स नथिंग बट द pH, एक्सेट्रा। सो ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, इसके ऊपर ये सारे फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, मैंने फैक्टर्स अभी आपको लिख के दिखाए थे, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट भी मैंने समझाया। नाउ सपोज इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, एल्वियोलाई में ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन आ रहा है ना, एंटर हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन ही एंटर हो रहा है एल्वियोलाई में, बाकी चीजें नहीं, ठीक है ना। लो PCO2 आपका कहाँ गया, इन एल्वियोलाई वेयर देयर इज अ हाई PO2, लो PCO2, ऑब्वियसली अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम ही होगा, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब pH क्या है, ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एल्कलाइन pH है, वही मैंने लिखा था, एंड लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन, वेयर एज इन द टिश्यूज नीचे लो PO2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब लो pH, एसिडिक pH, एंड हायर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है आपका, राइट ओके, एग्जिस्ट द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ HbO2, सो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दस दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सर्फेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड द टिश्यूज, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके 100 ml ऑफ ब्लड में यूजली 20 ml ऑफ O2 कैरी हो रहा है, 20 में से सिर्फ 5 आपके टिश्यूज में गया, बाकी 15 गए, बाकी 15 HbO2 में घूमता रहेगा, क्योंकि आप अभी घूम रहे हो, नॉर्मली हो, बैठे हुए हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, मतलब आपके मसल को ज्यादा O2 की जरूरत है, तब वो 15 ml करेगा और बचा कितना 5, तो 5 घूमता रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा फिर आपका, ठीक है।
सो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड विल डिलीवर ओनली 5 ml ऑफ O2, बाकी HbO2 में ही घूमते रहते हैं, ठीक है? एक मिनट, ओके। और ट्रांसपोर्ट तो मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, राइट? आई जस्ट एक्सप्लेन यू द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कि कैसे हो रहा है आपका 7% क्या हो रहा है, 23% और 70% बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में, ओके? रुको, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से हमने क्या क्या पढ़ा, राइट? यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? और एक और बात याद रखो कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई में वापस लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है? सिर्फ 4 ml। बाकी CO2 का क्या हुआ? बॉडी में रह गया, तो क्या हम मर गए? नहीं, CO2 होना जरूरी होता है बॉडी में, है ना? सारे CO2 बाहर नहीं जा रहे, सिर्फ 4 ml ही आपके बाहर जा रहे हैं एल्वियोलाई से। और कितना आपके टिश्यूज को मिल रहा है ऑक्सीजन? ओनली 5 ml मिल रहा है, ठीक है? ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो पूरे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये मैंने आपको एक बार बता दिया। दिस इज नथिंग बट द लेफ्ट शिफ्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज नथिंग बट द राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए? ये सारे फैक्टर्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये फैक्टर्स चाहिए, ठीक है? ओके, तो चलो, ये आपका आज का टॉपिक था जो हमें डिस्कशन करना था यहाँ पे, और बाकी के आपका फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? हाँ जी, ओके, बिल्कुल। PDF नोट्स मैं इसका भी दे दूंगी, इसका भी मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, हर बार का ही मैं कर देती हूँ, ठीक है? तो जाने से पहले आपका फिर कल, आपको पता है YouTube फ्राइडे स्पेशल है, तो कल हम लोग फिर से मैराथन करने वाले हैं आपके 150 क्वेश्चंस का ऑन जूलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का 150 क्वेश्चंस, या जो भी आपके दूसरे टीचर्स कर रहे हैं वो क्वेश्चन डिस्कशन होगा, राइट? तो मैं भी डिस्कशन करूंगी आपके यहाँ पे पूरे फुल सिलेबस का। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी किया था, राइट? तो इस बार हम सिर्फ ह्यूमन आपका फुल सिलेबस करेंगे, ठीक है? तो मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस लाऊंगी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइम। सारे तैयार होके आना, पूरे सिलेबस एक बार ठीक से पढ़ लेना, और नीट 2020 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वाला, ठीक है? सो नीट बॉय चैनल पे ही होने वाला है, वो कल होगा। मेरा जो सेशन है जूलॉजी का, दो बजे से होने वाला है, ठीक है? ओके गाइस, चलो, तो आपको जैसे कि पता है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फिर आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप प्लस पे क्लिक कीजिए, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। फिर आपकी जो फ्री कोर्सेस एंड स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, देन यू क्लिक ऑन नीट UG, देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप नीट 2020 में अपीयर कर रहे हो तो आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हो। 2021 वालों के लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, 12 मंथ्स वाला, दैट इज अराउंड 2500 पर मंथ। और 2022 वालों के लिए 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, दैट वुड बी अराउंड 1500 ओनली पर मंथ। जिसका 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? दैट वुड बी अराउंड 32,400। और इफ़ यू अप्लाई दिस कोड, दैट इज SWAGATA स्वागता, इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। और आपको पता है आज 7 बजे आपका मेंटी क्विज होने वाला है इसी चैनल पे, 7 o'clock रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका चैप्टर है, राइट? प्लीज़ भूलना मत, इस कोड को अप्लाई कीजिए, आपको ही 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है गाइज? ओके, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, आई विल सी यू एट 7 PM देन फॉर द मेंटी क्विज टुडे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, ठीक है, जितना हम पढ़ चुके उतना। सो आई विल बी एंडिंग द लेक्चर हियर नाउ, आई विल सी यू एट 7 o'clock देन।